नमस्कार, मैं हूँ रजिया बेगम। बीजेपी में अगर हम कहें तो विशाल जॉली की एक अलग ही जगह है। ये हमने बखूबी हम सभी ने देखा जब विशाल जॉली दिल्ली से वापस आए। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो टिकट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, जो है विशाल जॉली की जगह विष्णु पदरे को दिया गया है और विष्णु पदरे अपने कैंपेनिंग के लिए उतर चुके हैं। लेकिन जब विशाल जॉली दिल्ली से वापस आए तो हमने देखा कि एयरपोर्ट में जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ सी लग गई थी। कईयों को हमने रोते हुए देखा, कईयों ने दबी आवाज़ में अपनी नाराज़गी जाहिर की। आप बखूबी इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम सा निकल पड़ा था एयरपोर्ट में विशाल जॉली को रिसीव करने के लिए। अफकोर्स विशाल जॉली ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, उन्होंने बस इतना कहा कि सेंट्रल की मर्ज़ी है, वहाँ पर डिसाइड होता है। उन्होंने कुछ सोचा होगा जिस वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि एक ही बार विशाल जॉली को दिया था और वो बहुत ही कम वोट से हारे थे, तो कहीं ना कहीं आला कमांड को जो है बीजेपी के इस साल के लोकसभा इलेक्शन के लिए भी विशाल जॉली को एक मौका देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी अफकोर्स नज़र आ रही है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विष्णु पदरे ने जो है टिकट मिलते ही अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी। यहाँ वहाँ जा तो रहे हैं लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा उनके साथ नज़र नहीं आ रहा है पार्टी का, जिस वजह से जो है पार्टी में अफकोर्स हम कहें तो दो ग्रुप बना हुआ है और एक हलचल सी लग रही है। और जिस तरह से बीजेपी का जो एश्योरेंस है सेंट्रल से कि वो ज़्यादा और बड़ी तादाद में जीत लाएंगे इस साल, कहीं ना कहीं उसमें कमी नज़र आ रही है। देखिए, सेंट्रल से जो है सत्य कुमार को भेजा गया है, जो अंडमान निकोबार के प्रभारी है बीजेपी के। सत्य कुमार आए थे और कल जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है होटल सिंक्लेयर में जाकर उनसे मिले। अचानक एक 300 के करीब कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उनसे मिले, उनसे बात की। और इन कार्यकर्ताओं की मांग अगर हम कहें तो मांग एक ही है कि विशाल जॉली को जो है अब बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाए, जिसके अंडर वो काम करना चाहते हैं। इनका यही मांग है कि उनको टिकट तो नहीं दिया, जिससे उनके अंदर खासा नाराज़गी अफकोर्स है, लेकिन अब उनकी मांग यही है कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो विशाल जॉली को बनाया जाए और उनके अंडर वो काम करेंगे और पार्टी को जीत दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और फुल कैंपेनिंग करेंगे। ये इन लोगों की मांग है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल में भी परेशानी है कि किस तरह से इन्हें मनाया जाए और किस तरह से इनको समझाया जाए कि यूनिटी के साथ, एकता के साथ अब काम करना है और किसी भी हाल में अंडमान में फिर से बीजेपी को लाना है। इसी चीज़ को लेके सत्य कुमार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आए थे, लेकिन जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब अपनी एक डिमांड रखी है और जाहिर किया है कि वो चाहते हैं कि विशाल जॉली प्रेसिडेंट बने, कईयों से हमने बात की। देखिए, दबी आवाज़ में कई लोग कई चीज़ें कहते हैं, तो कई कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अगर विशाल जॉली को टिकट दिया जाएगा तो हम खुशी खुशी काम करेंगे, भले ही हम कहीं ना कहीं दुखी है, नाराज़ है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस बार टिकट नहीं दिया। लेकिन कई कार्यकर्ताओं का कहना यही है कि विशाल जॉली एक ऐसे इंसान है जिन्होंने संगठन को एक जुट करके रखा है, पार्टी में जो है ये यूनिटी है, लोगों में ये जो मेल मिलाप है ये सिर्फ विशाल जॉली के बदौलत है, तो उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब हमने कई सोर्सेज से बात की तो पता चला कि जो अजय बैरागी जो करंट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, ये उस वक्त जो है वहाँ पे उपस्थित थे और उन्हीं के उपस्थिति में जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रखा है कि विशाल जॉली को प्रेसिडेंट बनाया जाए। देखिए, अब आने वाला दिन ही बताएगा कि आखिरकार होता क्या है कि विशाल जॉली, जिस तरह से हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, जिस तरह से विशाल जॉली को चोर कहा गया है, कमीशन खाने वाला कहा गया है और जिनका घर बड़ा है, ये सारे एलिगेशंस कोई और नहीं विष्णु पदरे ने लगाया है, जिसे लोकसभा चुनाव का जो है टिकट दिया गया है। और कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी की कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है आज के दिनों में कैंपेनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। वो अकेला हर चीज़ नहीं कर सकते और
कहा जाए तो एक बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, कार्यकर्ताओं का जो एक दल है, एक ग्रुप है, वो विशाल जॉली के साथ खड़ा है। तो अब देखना होगा कि क्या सत्य कुमार के समझाने पर ये लोग मानेंगे, या इनकी जो मांग है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कि विशाल जॉली को प्रेसिडेंट बनाया जाए तो हम काम करेंगे, तो वो आला कमांड कितना सुनते हैं, क्या वो मानते हैं इस चीज़ को, और क्या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो विष्णु पद्रे को जिताने के लिए इलेक्शन में, इस लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर कैंपेनिंग करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो कई और अपडेट्स के लिए चुनावी हलचलों में क्या हो रहा है, इन सारे खबरों को लेकर हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।